जो विचारधारा हमारे जगदेव बाबू की थी आज वही भी विचारधारा मेरी भी है कि जितनी बड़ी हमारी भागीदारी है उतनी बड़ी हमें हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। आपने कहा कि आप अपने समाज को नेतृत्व करना चाहते हैं, आपसे पहले भी बहुत सारे नेता है जो सत्ता पक्ष में भी बैठे हैं और विपक्ष में बैठे हैं जो आपके समाज के नेतृत्वकर्ता बन चुके हैं, इनफैक्ट कर भी रहे हैं। आप में क्या एक्स्ट्रा है, क्यों लोग आप पर भरोसा और विश्वास करते हैं? किसी भी समुदाय से जो गरीब बच्चे आते हैं उनका किसी भी तरह का जो आर्थिक स्थिति अगर खराब है, बच्चे के अंदर पढ़ने का जुनून है, बच्चे के अंदर कुछ करने का जुनून है लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो वैसे बच्चे को मैं हर साल करीब 25 से 30 बच्चे को गोद लेता हूँ। और ऐसे समय में आपका आना और राजनीति में उभरना ये भी सवाल उठाता है कि कहीं आपको टिकट के लालच में तो नहीं है। 19 तारीख से हमारा पहला जन आशीर्वाद संवाद का यात्रा मैं शुरू कर रहा हूँ। आप मेरा किया हुआ काम को आप मगध के क्षेत्र में, आप नवादा के क्षेत्र में आप पूछ सकते हैं कि मैंने अपने समाज के लिए, अपने गरीब लोगों के लिए एजुकेशन पे मैं पिछले 5 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं जितनी हमारी भागीदारी है उतनी हमें अपनी हिस्सेदारी किसी भी क्षेत्र में नहीं मिल रही, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो। आज हम अपने बिहार के उस ऐतिहासिक मोड़ पे खड़े हैं जहाँ पे बिहार के हर व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, चाहे वो हमारे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे वो हमारे नौकरी की व्यवस्था हो, चाहे वो हमारे रोजगार की व्यवस्था हो, चाहे वो हमारे व्यवसाय की व्यवस्था हो, चाहे हमारे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो। मैं इसको विस्तार में बताऊं उसके पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय देना उचित समझता हूँ। मेरा नाम निशिकांत सिन्हा है और मैं बिहार के नवादा जिले से भट्टा गांव से बिलोंग करता हूं और मेरी मूलतः निवासी बिहार के भट्टा गांव में है और मैं पिछले 20 वर्षों से गुजरात में रह रहा हूं और गुजरात में मैं अपना एक बिजनेस कर रहा हूं और मैंने आईटी के क्षेत्र में एक बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है और पिछले 20 सालों से मैं वहीं पे सेटल हूं और पूरे इंडिया लेवल पे मैं आईटी का अपना बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस के अलावा मैं पिछले 5 वर्षों से अपना सामाजिक काम भी कर रहा हूँ, समाज के लिए समाज सेवा कर रहा हूँ, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी समाज को मजबूत करना हो तो शिक्षा का मजबूत करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शिक्षा जो होती है वो समाज की नींव होती है और जब तक हम शिक्षा को मजबूत नहीं करेंगे तो कोई भी समाज हमारा मजबूत नहीं हो सकता है और ना ही तो हमारा राज्य मजबूत हो सकता है, ना ही तो हमारा देश मजबूत हो सकता है। इसलिए पिछले 5 वर्षों से मैं लगातार शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया और शिक्षा के लिए मैंने अपने गरीब बच्चों के लिए, अपने समाज के गरीब बच्चों के लिए, चाहे अपने दलित के शोषित बच्चों के लिए, जो भी किसी भी समुदाय से जो गरीब बच्चे आते हैं उनका किसी भी तरह का जो आर्थिक स्थिति अगर खराब है, बच्चे के अंदर पढ़ने का जुनून है, बच्चे के अंदर कुछ करने का जुनून है लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो वैसे बच्चे को मैं हर साल करीब 25 से 30 बच्चे को गोद लेता हूं और उनको जो भी करना होता है, चाहे उनको आईएएस बनना होता है, आईपीएस बनना होता है, डॉक्टर बनना होता है, इंजीनियर बनना होता है, वैसे बच्चे को मैं गोद लेकर उनकी पढ़ाई का सारा खर्चा उठाता हूँ और उनको दिल्ली में रखता हूँ या कोटा में रखता हूँ या पटना में रखता हूँ, बच्चे की जहाँ पे वो चॉइस होती है, जहाँ पे वो पढ़ना चाहता है वहाँ पे मैं उनको एडमिशन करवाता हूँ। तो पिछले लगातार मैं 5 वर्षों से शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया, पर जैसे जैसे मैं समाज के लिए शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया, अपने गरीब दलित शोषित लोगों के लिए काम करना शुरू किया, अपने अल्पसंख्यक के लोगों के लिए काम करना शुरू किया, वैसे जो भी गरीब बच्चे हो, चाहे कोई भी समुदाय से हो आते हैं, चाहे गरीब बच्चे का कोई भी जाति नहीं होता है, वो इंसानियत होते हैं, तो वैसे बच्चे को मैं गोद लेता हूँ। लेकिन जब मैं समाज के लिए काम करना शुरू किया, जब मैं शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि किसी भी समाज को मजबूत करने के लिए, किसी भी राज्य को मजबूत करने के लिए सिर्फ शिक्षा का मजबूत होना ही जरूरी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें काम करने की जरूरत है, चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे आपका राजनीतिक का क्षेत्र हो। अब ये जो हम लोगों ने अभी 19 तारीख से हमारा पहला जन आशीर्वाद संवाद का यात्रा मैं शुरू कर रहा हूँ, ये यात्रा करने का मेरा पहला मकसद यही है कि हमारा समाज आज कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि हम किस समाज से, किस विरासत से आते हैं। एक्चुअली मैं कुशवाहा समाज से बिलोंग करता हूँ,
तो मैं पहले सोचा कि क्यों ना पहले मैं अपने समाज को मजबूत करूं, अपने समाज को मजबूत करने के बाद अपने दलित शोषित अल्पसंख्यक या जो भी समाज के लोग हमारे विचारधारा को समझते हैं या हमारे विचारधारा से सहमत है वो सभी समाज को मैं मजबूत करना शुरू करूं। इसलिए मैंने 19 तारीख से जन आशीर्वाद संवाद यात्रा शुरू किया और मैं ये यात्रा पहले नवादा से शुरू किया क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी पूछते हैं कि आप नवादा से ही यात्रा क्यों शुरू किया। तो नवादा से यात्रा करने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मैं जहां से मैं बिलोंग करता हूं, जहां मैं पैदा हुआ हूं, तो कहीं वहीं से मैं अपना यात्रा क्यों ना शुरू करूं ताकि एक पॉजिटिव मैसेज आए। तो इसलिए मेरा पहला जो जन आशीर्वाद का संवाद का यात्रा है वो 19 तारीख को है और मेरा मेन उद्देश्य है कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं आज हम लोग बिखरे हुए हैं, एक जगह पे एकत्रित नहीं है, कहीं ना कहीं हमसे गलतियां हो रही है या हम कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं। हम लोग आज के टाइम में ये भी भूल गए हैं कि हम किस विरासत से आते हैं, आज हम लोग ये भी भूल गए हैं कि हम उसी विरासत से आते हैं, सम्राट अशोक के विरासत से आते हैं जिन्होंने पूरे इस बिहार का नहीं, मगध के ही नहीं बल्कि देश और पूरे दुनिया को उन्होंने नेतृत्व किया था। तो हमारा मेन अभी उद्देश्य यही है कि पूरे 3 महीने में मैं बिहार का दौरा करूं और हर जिले में अपने समाज के लोगों से, अपने दलित शोषित लोगों से, अपने गरीब के लोगों से, अपने अल्पसंख्यक के लोगों से संवाद करूं और उनकी समस्याओं को समझूं, उनके विचारों को समझूं कि आज के टाइम में उनकी समस्याएं क्या है, वो किस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं डेली बेसिस पे। आज हमारे समाज का हालात ये हो गई है कि हमारे राजनीतिक में कहीं कोई मौजूद ही नहीं है। आज हम बोलते हैं कि हमारी कुशवाहा का, हमारे पिछड़े का, हमारे कुशवाहा का 14% की आबादी है, बिहार की अगर देखी जाए तो 3री सबसे बड़ी आबादी है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि आज हमारे समाज के एक केंद्र में मंत्री तक नहीं है, एक राज्य में अपने शासन तक नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हो रही है, भूल हो रही है। तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हम अपने समाज को पूरे बिहार में सभा करके जिला स्तर पे मीटिंग करके अपने समाज को अब एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे एक मंच पे एकत्रित करें और उनकी समस्याओं को समझें। इसलिए जहाँ पे मैं शिक्षा के लिए ऊपर काम कर रहा हूँ वहीं पे मैं चाहता हूँ कि अपने समाज को मजबूत करने के लिए शिक्षा के साथ साथ दूसरे क्षेत्र में भी, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में मजबूत करूँ। तो पहला मेरा जो जन आशीर्वाद संवाद का जो पहला फेज का जो यात्रा है वो नवादा, 19 तारीख को नवादा है और 20 तारीख को नालंदा है। उसके बाद फिर दिवाली आ जाती है, फिर छठ आ जाता है, फिर छठ के बाद हम दूसरा फेज का इसका सूचना जारी करेंगे। अब आप लोगों से कोई भी सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। प्रशांत किशोर जी भी यात्रा करके उन्होंने पार्टी बनाई है तो उससे वो भी कहते हैं कि प्लान रोकना है, नहीं पहले तो जैसे मैंने बोला कि मैं अपने समाज, अपने दलित, अपने शोषित, अपने गरीब लोगों को मजबूत करना चाहता हूं। इसलिए करना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जितनी हमारी भागीदारी है उतनी हमें अपनी हिस्सेदारी किसी भी क्षेत्र में नहीं मिल रही, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो। जो विचारधारा हमारे जगदेव बाबू की थी आज वही भी विचारधारा मेरी भी है कि जितनी बड़ी हमारी भागीदारी है उतनी बड़ी हमें हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। हाँ, मेरा इस विचारधारा के अलावा जहाँ पे मैं जिस राज्य में मैं पैदा हुआ मेरा ये भी सपना है कि मैं अपने राज्य बिहार को देश का नंबर वन विकसित राज्य बनाऊँ। इसके लिए मैं एम्प्लॉयमेंट पे, एजुकेशन पे मैं बरसों से काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आज मैं मुझे राजनीति में आना है इसलिए मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। आप मेरा किया हुआ काम को आप मगध के क्षेत्र में, आप नवादा के क्षेत्र में आप पूछ सकते हैं कि मैंने अपने समाज के लिए, अपने गरीब लोगों के लिए एजुकेशन पे मैं पिछले 5 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूँ। मैंने लोगों के लिए, गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल बनवाए हैं, धर्मशाला बनवाए हैं, हर साल मैं करीब 25-30 बच्चे को गोद ले रहा हूँ। तो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता, मैं क्या कर रहा हूँ वो मुझे पता है। पार्टी बनाने का इरादा है या नहीं है इसका बोलना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन पूछने के पहले ही बोला था कि अभी मेरा पहला लक्ष्य ये है कि मैं पूरे बिहार का हर जिले का 3 महीने तक भ्रमण करूं, अपने समाज को एक मंच पे लाकर एकत्रित करूं, इकट्ठा करूं, समाज को अपने मजबूत करूं, एक सशक्त समाज बनाऊं। उसके बाद अगर समाज को लगती है कि राजनीति पार्टी बनानी चाहिए या बिहार में बिहार के लोग अगर बोलते हैं कि कोई नया विकल्प आना चाहिए तो मैं अपने समाज के साथ खड़ा हूं, मैं अपने बिहार के लोगों के साथ खड़ा हूं,
बिहार के जनता के साथ खड़ा हूँ। अगर बिहार के जनता बिहार के लोग बोलेगी तो मैं उनकी जो बातें हैं वो मैं अपने सर माथे पे रखूँगा। सर आपने कहा कि आप अपने समाज को नेतृत्व करना चाहते हैं, आपसे पहले भी बहुत सारे नेता है जो सत्ता पक्ष में भी बैठे हैं और विपक्ष में बैठे हैं, तो आपके समाज के नेतृत्वकर्ता बन चुके हैं, इनफैक्ट कर भी रहे हैं, आप में क्या एक्स्ट्रा है, क्यों लोग आप पर भरोसा और विश्वास देते हैं? देखिए, हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, हर किसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी अलग होती है, हर किसी के अंदर विजन अलग होता है, हर किसी के अंदर मैनेजमेंट अलग होता है। जैसे हर स्टूडेंट के अंदर एक अपनी काबिलियत होती है, वैसे ही हर नेता के अंदर भी अपनी एक काबिलियत होती है। ऐसा नहीं कि अगर कोई एक नेता अपने समाज को लीड करने में फेल हो गए हैं तो दूसरे भी नेता समाज को लीड करने में फेल हो गए हैं, तो वो किस वजह से फेल हुए हैं या किस वजह से लीड नहीं कर पाए वो उनका पर्सनल मैटर। मैं कभी उनके साथ काम नहीं किया या मैं पहले कभी पॉलिटिक्स में नहीं आया, तो मुझे अपने काबिलियत पे पता है, मुझे अपने जनता के लोगों के ऊपर भरोसा है। अगर मैं आज नहीं तो अगर कल कभी अगर जनता अगर मुझे बोलती है तो हाँ, मुझे इतना पता है कि मेरे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है जो कि मैं लोगों को लीड कर सकता हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस ही है, जैसे आज के टाइम में इन्होंने पूछा कि आप पलायन को कैसे रोकेंगे, आप एजुकेशन के ऊपर कैसे काम करेंगे, तो एजुकेशन पे काम करना ही मेरा एक्सपीरियंस है। मैं पिछले 5 सालों से एजुकेशन के ऊपर ही काम कर रहा हूँ और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं 20 सालों से अपना बिजनेस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पहले राजनीति कर रहा था इसलिए मुझे बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे पलायन कैसे रोकना है उसका एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि मुझे बिहार में अगर 1000 कंपनियां यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवानी है तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं गुजरात में 20 सालों से बिजनेस कर रहा हूँ और पूरे देश में आप लोगों को पता है कि गुजरात मॉडल बेचा जाता है। तो गुजरात को इतना अच्छी तरह से मैं समझता हूँ, शायद ही कोई दूसरे लोग इस तरह से अच्छे से समझ पाते हैं। आप करते हैं और ऐसे समय में आपका आना और राजनीति में उभरना ये भी सवाल उठाता है कि कहीं आपको टिकट के लालच में तो नहीं आता? नहीं, टिकट के अगर लालच में आना होता तो आज मैं इतना अपने आप को बना लिया हूँ कि मैं किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर सकता था और कहीं किसी भी राजनीतिक दल के बैकडोर से मैं एमपी राज्यसभा एमपी जा सकता था या लोकसभा एमपी जा सकता था, लेकिन मेरा उद्देश्य पॉलिटिक्स में आना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि अपने समाज को मजबूत करना, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो। नहीं, अभी फिलहाल मेरा ये जो उपचुनाव है उसमें मेरा कोई 2025 वो 3 महीना के बाद मैंने आपको बोला कि हम लोग डिसीजन लेंगे, वो जनता डिसीजन लेंगे, हमारे समाज के लोग डिसीजन लेंगे, हमारे दलित शोषित अल्पसंख्यक लोगों के डिसीजन पे ही मैं आगे बढ़ूंगा। मेरा पॉलिटिक्स में फिलहाल पार्टी बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है, सारा ये जो फैसला है मैं जनता के ऊपर छोड़ूंगा, अपने समाज के ऊपर छोड़ूंगा। पर हाँ, मुझे कहीं ना कहीं इस बात का दुख है कि आज हमारे समाज में या हमारे बिहार में कोई अच्छी पार्टी या कोई अच्छा विकल्प नहीं है और बिहार के हर जनता नया विकल्प को ढूंढ रही है, इसमें कोई दो मत नहीं। सम्राट चौधरी आपके समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री हैं, आलोक मेहता जी आते जी के बड़े नेता मंत्री लगातार रहे हैं, राज्यसभा कुशवाहा जी हैं, तो इतना तो कुछ मिल रहा है? नहीं, उन लोग मंत्री हैं, नेता हैं, वो अपने जगह पे हैं, उन लोगों से समाज को कुछ नहीं मिल रहा है, ये सच्चाई है। और वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो समाज के लोग मिल रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर कोई ऐसा नेता हो, नेता नहीं, आज के टाइम में लीडर्स की जरूरत है हमारे समाज में जो पूरे समाज को लीड कर सके। नेता और लीडर्स में अंतर है, नेता क्या होता है कि जो इंडिविजुअल अपना विजन देखते हैं, अपना फोकस करते हैं, अपना ग्रोथ का देखते हैं, लेकिन जो लीडर होते हैं वो पूरा समाज को लेकर चलते हैं, पूरे बिहार के लोगों को लेकर चलते हैं। तो मेरा गोल, मेरा विजन नेता बनने का नहीं है, मेरा विजन है कि मैं लीडर्स बनूं और लोगों को लीड करूं ताकि हमारा समाज, हमारा बिहार, हमारा राज्य एक विकसित राज्य बने।